इन दिस वीडियो वी डिस्कस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस स्पेशली इन दिस वीडियो वी डिस्कस सेल वाल एंड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस बिफोर वी स्टार्टिंग वीडियो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सेल नाउ लेट एस स्टार्ट तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी प्लांट सेल होते हैं प्लांट सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है तो आउटर मोस्ट पार्ट में आप देखेंगे कि एक रिजिड सेलवाल होती है जो कि प्लाज्मा के आउटसाइड होती है सेल वाल जनरली आपकी कैसी होती है नॉन लिविंग होती है और फ्रीली परमेबल परमेबल मीन्स क्या हुआ कि कोई भी सलूट्स या सॉल्वेंट आपके आसानी से आउटसाइड द सेलवाल और इनसाइड द सेलवाल आपके आसानी से जा सकते हैं और ये जो सेल वाल सीक्रेट होती है वह सेल के द्वारा स्वयं सीक्रेट होती है और बेसिकली इसका काम क्या होता है जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन करना होता है इसके अलावा जो सेल वाल है वह सेल वाल आपका पर्टिकुलर सेल का सेप डिटरमिन करता है और एट द टाइम ऑफ डेसिकेशन यह सेल को प्रिवेंट करता है इसके अलावा बेसिकली जो सेल वाल होती है सेल वाल आपकी बनी होगी किससे फाइब्रस पॉलिसक्राइड से जिसको हम बोलते हैं सेलोज यानी जो सेल वाल होगी आपकी कैसे होगी रिजिड होगी सेमी इलास्टिक होगा सेमी ट्रांसपेरेंट होगा और प्रोटेक्शन करने का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और साइटो प्लांट को प्लांट सेल में फंजाई में और आपके प्रोकैरियोट्स में बेसिकली जो सेल वाल होती है आपकी किसकी बनी होती है सेलोज की बनी होती है फंजाई की जो सेलवाल होती है वो आपकी काइटिन की बनी होती है इसके अलावा सेलवाल पे आपका एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है लिगनिन का सुबेरिन का और क्यूटीन का जो कि एक तरह से आपका सेकेंडरी थिकनिंग का काम करता है इसके अलावा आप देखेंगे एक सीमेंटिक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेमिला इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडज सेल दो एडजस्टेंट सेल के बीच में आपका एक सीमेंटिंग लेयर होता है एंड दैट सीमेंटिंग लेयर आर नोन एज मिडिल फिगर में आपको दिख रहा है कि आपको देख रहे हैं दो सेल है दो सेल के बीच में आपको एक लाइन दिख रही है मिडिल सेल में आपके छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू एडजेंट सेल होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड दिस रीजन आर नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा इस रीजन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा यानी जो सारे सेल्स होंगे आपस में एक पोर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल आपके एक्सचेंज होते हैं और वह स्ट्रक्चर आपका कहलाता है प्लाज्मो डेस्मेटा अब बात करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल सेलवाल प्लांट सेल में सेल वाल का क्या रोल है तो बेसिकली आपको सबसे पहले जो मेन रोल है कि प्लांट्स की पर्टिकुलर सेल सेल का जो सेप है वह डिटर्मिन करता है आपका सेल वाल साथ ही साथ चूँकि जो प्लांट सेल होती है आपकी सेल सेलवाल जो होती है आपकी रिजिड होती है और एक तरह से आपका क्या करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को इसके अलावा प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट पैथोजन एंड जो भी आपके मैकेनिकल इंजरी हैं नेक्स्ट पॉइंट जितनी ज्यादा सेलवाल की ग्रोथ होगी उसी के अकॉर्डिंग जो सेल का शेप होगा वह भी आपका निर्धारित होता है एट द टाइम ऑफ एंडसिस सेल को ब्रस्ट होने से भी प्रिवेंट करने का काम आपका सेलवाल करता है चूंकि इन्वामेंट आप देखिए उसमें नेचर में हमेशा चेंजेस होते रहें कभी ठंडी है कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है कभी टेम्परेचर आपका लो हो जाता है उस दौरान भी जो सेल वाल होता है उस सेल वाल को उस सेल को स्टैंड किया रहता है मतलब उसके पास एबिलिटी होती है कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी अपने आप को अडाप्ट कर ले तो इस तरह से आपका ये सारे रोल आपके प्ले करते हैं वाल अब यहाँ पर इन दिस स्लाइड्स में आप देखेंगे कि कुछ आपके डिफरेंस दिए हुए हैं सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो जो सेल वाल होती है ये आपकी प्लांट सेल में पाई जाती है जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल दोनों सेल में आपकी पाई जाती है लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल जो सेल वाल है वह प्लांट सेल में सबसे आउटर लेयर होता है जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह आपका एनिमल का आउटसाइड लेयर होता है आउटर लेयर होता है जबकि प्लांट्स का आपका इनसाइड लेयर होता है सेल वाल जो होती है आपकी रिजिड होगी थीक होगी जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी थिन होती है और आपकी फ्लेक्सिबल होती है सेल वाल जो होते हैं परमिएबल होते हैं यानी सलूड्स और सॉल्वेंट आपके आसानी से फ्रीली मोवेबल होते हैं जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं आपके सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं सेल वाल जो बेसिकली आपके सेलोज हेमी सेलोज और पैक्टीन से बने होते हैं जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका लिपिड्स प्रोटीन और कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिससे मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है सेल वाल जो होता है एक तरह से आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सेल की स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है जो भी सेलुलर कंटेंट्स हैं उनको होल्ड करने का काम करता है और कंट्रोल करने का काम करता है कि कौन से सलूड्स को एंट्री करना है कौन से सलूड्स को आउटसाइड द सेल्स से इंटर करना है और इनसाइड द सेल उसको ट्रांसफर करना है तो डेट इज़ द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन सेल वाल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस की तो अगर हम सेल बायोलॉजी में देखें तो न्यूक्लियस आपका क्या है मेम्ब्रेनस बाउंड आर्गनल्स होता है जितने भी आपके यू करियोटिक सेल्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में इसको हम न्यूक्लियार्यट्स बोलते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका अब्सेंट होता है किसी किसी आपके यूकैरियोटिक सेल में आपके जो न्यूक्लियस होते हैं आपके सिंगल होते हैं और ऐसे आर्गन्स को बोलते हैं हम यूनि न्यूक्लियट किसी किसी में आप देखोगे कि आपके एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन या उसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक या सिनसिटियम इसके अलावा कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसमें आपका आर जिसमें आपका न्यूक्लियस अब्सेंट होता है जैसे आपके मेमेलियन आर और सी ट्यूब्स इसमें आपके न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं जो भी आपका न्यूक्लियस है यह आपका एनिमल सेल में आपका सेंट्रली पोजीशन होता है मतलब सेंटर में प्लेस होता है जबकि प्लांट सेल में जो आप देखेंगे ये आपका पेरीफरी रीजन पे ये पाया जाता है यू कर सेल में जो आपका न्यूक्लियस होता है वह आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है इसलिए वहाँ पर उसको हम टर्म बोलते हैं न्यूक्लियड ऐसे सेल्स जिसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता है उनकी जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है वो आपकी बहुत ही कम समय के लिए होती है यानी ज़्यादा समय तक वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं दैट इज द इन दिस स्लाइड्स वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस सराउंडेड होता है आपका किससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके जगह जगह पे आपके इंटरप्टेड होंगे कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा एंड डेट पोर लाइक स्ट्रक्चर नोन है न्यूक्लियर पोर इन साइड द न्यूक्लियस आपके जो फ्लूइड्स पाए जाएंगे उसको हम बोलते हैं हम न्यूक्लियो प्लाज में आपके थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे डैट इज द क्रोमैटीन मटेरियल फिर आप देखेंगे बीच में आपका एक स्फेरिकल बॉडी दिख रही है डेट इज बॉडी आर नोन एज न्यूक्लियोलस तो डेट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस तो जो न्यूक्लियस आपकी इंक्लोज होगी आपकी डबल मेंबरेन्स होती है आउटर मेंबरेन और इनर मेम्बरेन नेक्स्ट न्यूक्लियस किससे बना होता है तो यहाँ बताया गया कि जो भी न्यूक्लियस है बेसिकली आपके उसमें आपके न्यूक्लियर इन्वेलप होगा न्यूक्लियो होंगे और आपका न्यूक्लियोलस होगा न्यूक्लियर इन्वेलप यह आपका डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है जो कि सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाम से इसमें आपके बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियर पोर क्या करता है ये आपका अलाउ करता है जो भी मटेरियल है उसका एक्सचेंज हो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी मटेरियल है उसका एक्सचेंज करने का काम आपका न्यूक्लियर पोर करता है फिर आपका है न्यूक्लियो प्लान ये आपका कलरलेस होता है डेंस होगा सेप ये आपके इन साइड द न्यूक्लियस पाए जाते हैं जहाँ पर क्रोमेटीन और न्यूक्लियोलस जो हैं आपके सस्पेंडेड होते हैं फैले होते हैं न्यूक्लियोलस ये आपका राउंड स्ट्रक्चर होगा और ये आपका न्यूक्लियस के इनसाइड पाया जाता है इसमें आपके आरण्य बहुत ही ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन्स और यहीं पर आपका राइबोसोम्स का फार्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन के द्वारा जो भी आपके प्रोटीन्स का फार्मेशन होता है तो वह प्रोटीन्स का फार्मेशन जो होगा आपका यहीं पर होता है यानी राइबोसोम्स का फार्मेशन आपका कहाँ होगा न्यूक्लियस में होता है डैट इन दिसड्स वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पोर दिस स्ट्रक्चर आर वेरी कम्पलेक्स इन कंपरिजन टू अदर बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आपके जो भी फूड मटेरियल्स हैं वो आपके साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आपके ट्रांसफर होते हैं नाउ इन दिसड्स वी सी द डिफ्रेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस रिप्रेजेंट द होल यू करियोटिक कम्प्लेक्स डैट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस जो है आपका एक तरह से मास्टर ऑफ सेल्स होता है सारे सेल की एक्टिविटी का जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है और यह आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है जबकि न्यूक्लियोलस जो है यह आपका न्यूक्लियस का एक कम्पोनेंट्स है न्यूक्लियस कवर्ड बाई ये टू मेम्ब्रेन इन्वलप दो मेंब्रेन से कवर होता है जबकि न्यूक्लियोलस जो होता है इसमें आपकी कोई भी कवरिंग नहीं होती है न्यूक्लियस कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल्स और बेसिकली जो न्यूक्लियोलस होता है ये आपके राइबोसोमल यूनिट का सिंथेसिस करते हैं तो डेट इज द ओवरऑल डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस नाउ अब आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे तो एक आपके मास आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे और वह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वह आपके कंडेंस होकर के एक थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं एंड दैट थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम्स उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स यानी क्या हुआ कि आई रिपीट क्रोमोसोम्स जो होंगे आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे यूजुअली प्रेजेंट होंगे आपके न्यूक्लियस में डैट बिकम विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिविजन सेल डिवीज़न के दौरान वो आपको दिखाई देते हैं क्रोमोसोम कंटेन हेरिटी इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन क्रोमोसोम से आप देखेंगे जीन लगे होते हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं यानी जो भी इन्फॉर्मेशन आपका वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है वह आपका इसी के थ्रू जाता है बेसिकली क्रोमोसोम जो होते हैं आपके दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं डी और प्रोटीन और जो डीएनए होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्रोमोसोम का क्योंकि जो डीएनए होता है डेट इज द सेगमेंटेड पार्ट ऑफ जीन अरेक्तर देखिए तो जो भी आपके क्रोमोसोम्स होंगे उसमें आपके दो आर्म्स होते हैं और दोनों आर्म्स जो होते हैं एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन या उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर और वही सेंट्रोमियर आपका निर्धारित करता है कि क्रोमोसोम का कैसा आपका सेफ होगा सेंट्रोमियर मिडिल में भी प्लेस होता है टर्मिनल पोजिशन पे भी होता है इंटर कैलरी भी होता है जिसके कारण आपके क्रोमोसोम्स के डिफरेंट सेप दिखाई देते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन कभी क्रोमोसोम आपका वी सेफ होगा जे सेफ होता है आई सेफ होता है एंड सो ऑन दो क्रोमेट्रिक्स आपके जुड़े होंगे किसके द्वारा सेंट्रोमियर के द्वारा दोनों साइड्स में आपके क्या होंगे क्रोमेट्रिक्स होंगे जो दो भी जो आर्म्स हैं डेट आर्म्स आर नोन एज क्रोमैटिड्स इन द नेक्स्ट स्लाइड्स क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम नंबर जो होगा हर स्पेसीज का आपका फिश होता है अधिकतर देखिए जितने भी आपके आर्यम्स होंगे वह आपके जो भी क्रोमोसोम्स होंगे वह क्रोमोसोम्स आपके पेयर में होते हैं और प्रत्येक पेयर यानी वन क्रोमोसोम बिलोंग टू फादर पेरेंट्स वैल अदर बिलोंग टू मदर पेरेंट्स पेयर में होगा एक क्रोमोसोम जो होगा आपका उस पेयर में एक क्रोमोसोम जो होगा आपका एक पेरेंट्स का होगा दूसरा क्रोमोसोम आपका दूसरे पेरेंट्स का होगा अगर क्रोमोसोम्स आपके टू सेट्स में मौजूद हैं तो उनको हम बोलते हैं डिप्लॉयड अगर क्रोमोसोम्स आपके सिंगल सेट में हैं प्रेजेंट तो उनको बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं आपके ट्वेंटी थ्री पेयर्स होते हैं यानी फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम होता है डट इज द डिप्लॉयड और हेप्लॉयड की बात करेंगे तो वहां पर आपका ट्वेंटी थ्री हो जाएगा जहाँ पर स्मॉल एन जो है आपका डिपेंड करता है क्रोमोसोम नंबर यानी हेप्लॉयड के केस के में आपका स्मॉल एन होगा और डिप्लॉयड के केस में आपका टू एन होता है अब देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन ए सेल न्यूक्लियस का क्या रोल है सेल के अंदर तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेंटिंग इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर द सेल बट आल्सो द होल ऑर्गेनिज्म मतलब न्यूक्लियस आपका एक तरह से सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है मतलब बल्कि सेल का नहीं जबकि पूरे के पूरे ऑर्गम्स का सेकेंड पॉइंट इट फंक्शन एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एज इट कंट्रोल सेल मेटाबोलिज्म एंड सेल एक्टिविटी जो भी सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं जो भी सेल में एक्टिविटी होती है उन सेल की एक्टिविटी का जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो आपका न्यूक्लियस होता है राइबोसोम्स जो भी आपके बनते हैं वो आपका न्यूक्लियोलस में पड़ते हैं और यह भी आपका न्यूक्लियस का ही पार्ट है न्यूक्लियस जो होता है आपका ब्रिंग करता है सेल डिफ्रेंशिएशन बाई विच सेल अटेन ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन न्यूक्लियस ही चूँकि ऑल द मेटाबोलिक एक्टिविटी परफॉर्म बाई न्यूक्लियस जो भी न्यूक्लियस है वह सारे सेल की स्ट्रक्चर को क्या करता है कंट्रोल करता है यानी मैनेजमेंट करता है तो जो भी आपका सेल का स्ट्रक्चर होगा और सेल का जो फंक्शन होगा वह सारी का कंट्रोलिंग सेंटर आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस का डिवीजन इसेंशियल होता है सेल डिवीजन जो भी आपका प्रोसेस होता है माइटोसिस या म्योसिस उस प्रोसेस के दौरान आप देखेंगे कि न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है साथ ही साथ जो भी क्रोमोसोम्स होती हैं उनकी रिसफलिंग होती है और जीन आपके चेंज होते हैं और जब जीन चेंज होते हैं तो आपको वेरिएशंस दिखाई देते हैं क्योंकि जो भी आपके पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं तो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे उसमें आप देखेंगे कि कुछ कैटर आपके सिमिलर होंगे और कुछ कैटर आपके डिफरेंट होंगे तो जो भी वेरिएशंस होते हैं वह भी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है आपका न्यूक्लियस तो डेट इज़ द ओवरऑल फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस थैंक यू